चुनाव में ये दो बहुएं बन गई अपने परिवार के लिए आफत, टिकट की आस में परिवार के लिए खड़ी कर दी मुसीबत। मुलायम फैमिली में अपर्णा के फैसले ने सबको चौंकाया, तो अनुकृति गोसाइन के लिए भी चुनाव से पहले हो गया संग्राम। दो सियासी बहुओं की पूरी कहानी देखिए। पांच राज्यों के चुनावों के बीच अचानक दो राजनीतिक परिवारों की बहुएं चर्चा में आ गई हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव को जब उनके अपने घर की पार्टी से टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने बीजेपी का रुख किया। वहीं एक और सियासी परिवार की बहू के लिए टिकट की चाहत ही संग्राम का कारण बन गई। ये दूसरी सियासी बहू कौन है, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षा की कहानी सुन लीजिएगा। लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाली अपर्णा की दिलचस्पी शुरू से ही राजनीति में रही है। अपर्णा ने पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के बाद ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। राजनीति में उनकी दिलचस्पी के पीछे एक बड़ा कारण मुलायम परिवार की बहू होने के साथ साथ उनका मायका भी रहा है, जहां उन्होंने यूपी की राजनीति को बेहद करीब से देखा। अपर्णा के पिता पत्रकार हैं। अपर्णा ने 2017 में राजनीति में एंट्री की। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, तब वह बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अपर्णा के जेठ अखिलेश यादव भले ही सीएम योगी पर हमलावर रहती हूँ, मगर अपर्णा कई मंचों से सीएम योगी के काम की तारीफ कर चुकी हैं। वह खुद सीएम योगी को अपना बड़ा भाई बताती हैं। 19 मार्च 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अपर्णा अपने पति प्रतीक के साथ उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचने वालों में सबसे आगे थी। वह अपने पति प्रतीक यादव के साथ गोरखपीठ के दर्शन के लिए भी गई थी। जब अपर्णा योगी से मिली और उन्हें बताया कि उनका एनजीओ गौशाला चलाता है तो सीएम योगी बहुत खुश हुए। अपर्णा ने उनसे आग्रह किया तो योगी खुद उनके साथ लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित कान्हा उपवन में गौशाला देखने के लिए गई थी। अपर्णा शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत हैं। कई सार्वजनिक मंचों पर वह गायन के कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं। खास तौर पर वह ठुमरी गायन में निपुण हैं और आज भी इसके लिए वक्त निकाल कर रियाज किया करती हैं। अपर्णा और प्रतीक की शादी दिसंबर 2011 में हुई थी और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। तो ये तो बात हुई मुलायम परिवार की सियासी बहू की। आप बात करते हैं उत्तराखंड के बड़े सियासी चेहरे की घर में मची उथल पुथल की। उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत की बीजेपी से विदाई का सबब बहू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट की चाहत ही बना। मॉडलिंग की ग्लैमर भरी जिंदगी को छोड़ अब अनुकृति गोसाई रावत उत्तराखंड में कांग्रेस की सियासत का हिस्सा बन गई हैं। अनुकृति गोसाई रावत ने साल 2013 में मिस इंडिया दिल्ली का खिताब जीता था। 2013 में ब्राइड ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने 2014 में मिस इंडिया पैसिफिक वर्ल्ड और साल 2017 में मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब वह मॉडलिंग की दुनिया की ही तरह सियासत में भी छा जाना चाहती हैं। अनुकृति गोसाई के शादी हरक सिंह के बेटे तुषित रावत के साथ 2018 में हुई थी। उनके पति तुषित डून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बतौर MD जिम्मेदार संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि बहू अनुकृति हरक सिंह रावत की राजनीतिक वारिस बनना चाहती हैं। अब कांग्रेस की विधिवत सदस्यता लेने के बाद अनुकृति की तैयारी चुनावी मैदान में उतरने की है। अनुकृति को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने के उद्देश्य से हरक सिंह रावत ने पिछले कुछ समय से राजनीतिक विरासत बिछानी शुरू की है। इस कारण एक बार तो उनका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर ही लगा नजर आने लगा जब उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस में मिले प्रवेश से उनको एक बार फिर संजीवनी मिल गई है। इसके बाद उनको अपनी बहू अनुकृति की राजनीतिक पारी शुरू कराने का एक और मौका मिला है। अब अनुकृति के सामने अपने आप को साबित करने की चुनौती रहेगी।